सो गाइस, गणेश चतुर्थी हो और मैं एक्साइटेड ना हूँ ऐसा हो नहीं सकता। हर बार की तरह इस बार भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट हर बार मैं प्लान करते करते रह जाती थी, बट इस बार मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया था। गाइस, इस बार फाइनली हमने गणेश जी की मूर्ति बना ही ली थी और इस बार हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने वाले थे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये हम कलर कर रहे हैं गणेश जी को, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी रोज़, और जिस दिन स्थापना थी उस दिन मेरा कॉलेज भी था, तो मैं कॉलेज गई थी, फिर कॉलेज से आई थकी थकी, फिर ये मैं माला बना रही हूँ गणेश जी के लिए। मैं तो सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि हम हर बार सोचते थे कि हम बनाएंगे पर नहीं हो पाता था कुछ रीजंस की वजह से, बट इस बार वो पॉसिबल हो गया था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, और क्योंकि हम लोगों को इको फ्रेंडली गणेश जी चाहिए थे, और हम नहीं चाहते थे कि हम मूर्ति लेके आए मार्केट से, क्योंकि वो इको फ्रेंडली नहीं होती और फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमको, क्योंकि फिर वो ऐसे ही रहते हैं जब हम उनको विसर्जन कर देते हैं उसके बाद। तो इसलिए हमने इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए थे। और इधर ही मेरी माला भी रेडी हो चुकी है। हमने दो बनाए थे, एक मैंने बनाया था और एक भाई ने बनाए थे। भाई ने कहा तो हमें लग नहीं रहा था कि बनेंगे, बट बन गए थे भाई के गणेश जी। और ये रही हमारी डेकोरेशन, थोड़ी थोड़ी हुई है ये फाइनल डेकोरेशन। ये रही, ये आकाशी सारा सामान रख रहे थे पूजा के हम लोग, और फाइनल डेकोरेशन का लुक कुछ ऐसा है। और ये हमने गणेश जी की स्थापना कर दी है गाइस, फाइनली ये रहा हमारे गणेश जी। देखो गाइस, कलर पूरा एकदम कंप्लीट होने के बाद ये रहे हमारे गणेश जी का लुक, बहुत ही सुंदर लग रहे थे गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैंने करा है। और ये पंडित जी हमारी बाकी की पूजा कराते हुए, पूरी पूजा मैंने और भाई ने करी थी, क्योंकि हम लोगों ने बनाया था, पापा ने कहा कि तुम लोग ही करो। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। गणेश चतुर्थी जब भी आते ना, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी रहती हूँ, मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। और ये हमारी पूरी पूजा हो रही है। इधर ये दीदी क्योंकि हॉस्टल है, तो इसलिए उनको वीडियो कॉल करके पूरा दिखाया जा रहा था, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम गणेश जी की स्थापना की थी तो उस टाइम दीदी ने करा था सब कुछ, और इस बार मैंने किया है, तो इसलिए उनको दिखाया जा रहा है पूरा प्रोसेस। और ये हमारी पूजा कंप्लीट हो गई, ये इसके बाद हमने आरती करी थी, फिर हमने कुछ शूट नहीं किया, फिर लास्ट डे का ही शूट किया था। और ये आज विसर्जन वाला दिन है गाइस, ये हमारी पूजा हो रही है, पापा शंख बजा रहे थे। और ये सब हम लोग आरती करते हुए, सबने धीरे 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 करके हमारे घर में सबने आरती ली, उसके बाद फिर हमने गणेश जी का विसर्जन किया था। ये गणेश जी का विसर्जन रखे थे, उसके बाद फिर विसर्जन करो, घूमने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा करना। तो था फाइनली टाइम आ गया था हमारे पापा को बाय बाय बोलने का, अच्छे से आए अच्छे से गए, हम बस इसी बात के खुश थे। बस जो भी गलती हुई होगी भगवान माफ करना। ये पापा उल्टी वॉक इसलिए कर रहे थे गाइस, क्योंकि पीठ करके कभी भी गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर पे इतने दिन तक रहे थे, तो इसलिए हमेशा उनका फेस अपने घर की तरफ करो ताकि वो सारी ब्लेसिंग्स देके जाएं। और इधर विसर्जन हो गया गणेश जी का, ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, स्टे सेफ।